ट्रेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस पार्ट में हम संवैधानिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आगे के अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। तो जो 1876 का अधिनियम है, जिसे शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं, उसके अंतर्गत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और इससे आगे जो अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो आपको पता है 1892 के अधिनियम से पहले जो अधिनियम बने थे उनमें भारतीयों को सार्वजनिक सेवा और अर्थव्यवस्था में तो प्रवेश मिल गया था। इससे क्या है, अन्य भारतीयों में भी राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना की भावना का उदय हुआ। और इधर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके कारण कांग्रेस ने भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की उपस्थिति को बढ़ाने की मांग तेज कर दी। और आपको पता है 1861 के अधिनियम द्वारा विधान परिषदों में कुछ भारतीयों को मौका दिया गया, लेकिन वे बड़े जमींदार, राजा रजवाड़े या अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे, आम जनता को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया गया था। इधर सर जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के सुझावों को 1892 के अधिनियम में शामिल किया गया और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ाई गई, उनको सशक्त बनाने की कोशिश की गई। और इस अधिनियम द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई। तो अब हम देखते हैं इस अधिनियम में क्या प्रावधान रखे गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अगर इस अधिनियम के हम प्रावधान देखें तो एक प्रावधान इसमें यह किया गया कि केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में 50% कर दी गई। यानी इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उनमें गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। इस अधिनियम में इसमें केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने के लिए वायसराय की जो शक्तियां हैं उनका प्रावधान किया गया। वायसराय बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों की सिफारिश पर केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियों का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। अगला प्रावधान देखें तो गवर्नर प्रांतीय विधान परिषदों में विश्वविद्यालयों जमींदारों नगरपालिकाओं
व्यापार संघ की सिफारिश पर सदस्यों को नामांकित कर सकता था, जैसे केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय नामांकित कर सकता था, वैसे ही गवर्नर प्रांतीय विधान परिषदों में विश्वविद्यालयों, जमींदारों, नगरपालिकाओं और व्यापार संघ उनकी सिफारिश पर सदस्यों को नामांकित कर सकता था, गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखें इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यह संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई तथा इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। मद्रास तथा बंबई में सदस्य संख्या 20 कर दी गई तथा अवध में 15 सदस्य संख्या की गई। यानी वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यह संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई और इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। बंबई और मद्रास में सदस्य संख्या 20 तथा अवध में 15 रखी गई या की गई। और जो ये परिषद है इसमें 40% सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य है, यानी 40% सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य किया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा परिषदों के सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा परिषदों के जो सदस्य हैं उनको बजट पर वार्षिक वित्तीय विवरण पर वाद विवाद बहस करने का अधिकार दिया गया। हालांकि यह अधिकार सीमित था लेकिन इन्हें वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। एक आगे प्रावधान देखें तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों की सीटों को भरने के लिए सीमित तथा अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर नामांकन प्रक्रिया
का उल्लेख किया गया। यानी इस नियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी सीटों को भरने के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। यानी जो ये प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर सदस्यों को नामांकित कर रहे हैं या केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय नामांकित कर रहे हैं, तो ये जो नगरपालिका विश्वविद्यालय या जमींदार सिफारिश कर रहे हैं उनको ये नामांकित कर रहे हैं, ये एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया। चुनाव शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। ठीक, भारत में स्वाधीनता के लिए आंदोलनकारियों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा था, तो इसे ध्यान में रखते हुए वायसराय लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट भेजी कि जो भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने एक विधेयक ब्रिटिश संसद में 17 फरवरी 1909 को प्रस्तुत किया और सम्राट की अनुमति के बाद यह अधिनियम पारित हो गया और भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। अब हम देखेंगे 1909 के अधिनियम या जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है उसमें क्या प्रावधान किए गए, तो आइए देखते हैं। अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई तथा पृथक मताधिकार का अधिकार भी दिया गया। यानी कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई तथा पृथक मताधिकार का भी अधिकार दिया गया। यानी भारत की निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई या शुरुआत हुई। और मैं आपको बता दूं, इस संबंध में सचिव मार्ले ने वायसराय मिंटो को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि याद रखना, हम अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाकर ऐसे विष के घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यानी इस अधिनियम द्वारा भारत की निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई और आगे के जो अधिनियम है उनमें इस सांप्रदायिकता का विस्तार होता जाएगा। अगला प्रावधान देखें तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। यानी इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जिनमें 37 सदस्य
सरकारी तथा 23 सदस्य गैर सरकारी होंगी, यानी इन 60 सदस्यों में 37 सदस्य सरकारी तथा 23 सदस्य गैर सरकारी होंगे तथा 9 पदेन सदस्य होंगे, 9 पदेन सदस्य होंगे जिन्हें मनोनीत किया जाएगा। अब अगर हम कुल सदस्य संख्या देखें, कुल सदस्य संख्या तो 37 सदस्य सरकारी, 23 सदस्य गैर सरकारी और 9 पदेन सदस्य, 69 सदस्य, 69 सदस्य कुल हो गए। टोटल संख्या 69 होगी, 69 सदस्य हो गए, यानी चार प्रकार के सदस्य हो गए, चार प्रकार के सदस्य। नंबर एक पदेन सदस्य, नंबर दो मनोनीत सरकारी सदस्य, नंबर तीन मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और नंबर चार निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य, यानी कुल सदस्य संख्या 69 हो गई। इनमें चार प्रकार के सदस्य हो गए, पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। अब हम देखते हैं इन 69 सदस्यों को पूरा डिटेल में। 69 सदस्य, साठ सदस्य चयनित, 9 सदस्य पदेन। अगर हम 69 सदस्यों का वर्गीकरण करें तो 37 सदस्य सरकारी अधिकारी, 32 सदस्य गैर सरकारी, और इन 32 सदस्यों को अगर हम देखें तो 27 सदस्य चयनित, 5 सदस्य नामांकित, और इन 27 सदस्यों को अगर हम देखें छह सदस्य हिंदू जमींदारों द्वारा चयनित, 5 सदस्य मुस्लिमों द्वारा चयनित, 1 सदस्य मुस्लिम जमींदारों द्वारा चयनित, 1 सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चयनित, 1 सदस्य बंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चयनित, 13 सदस्य प्रांतीय परिषदों द्वारा चयनित। यानी हम 69 सदस्यों को देखें तो इनमें 60 सदस्य चयनित हैं,
और 9 सदस्य पदेन हैं। और इन 69 सदस्यों का अगर वर्गीकरण करें तो 37 सदस्य सरकारी अधिकारी सरकारी सदस्य, 32 सदस्य गैर सरकारी। और अगर हम इन 32 सदस्यों का वर्गीकरण करें तो इनमें 27 सदस्य चयनित और 5 नामांकित। और अगर इन 27 हम चयनित गैर सरकारी सदस्यों को देखें तो 6 सदस्य हिंदू जमींदारों द्वारा चयनित, 5 सदस्य मुस्लिमों द्वारा चयनित, 1 सदस्य मुस्लिम जमींदारों द्वारा चयनित, 1 सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चयनित, 1 सदस्य बंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चयनित और 13 सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चयनित। यानी ये कुल हो गए 27 सदस्य, ठीक 5 हो गए नामांकित, 32 और 37 हो गए सरकारी सदस्य, 69 सदस्य। और 69 सदस्य में से 60 चयनित हो गए और 9 पदेन सदस्य हो गए। अब देखते हैं हम आगे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या तो हमने देख ली कि इसमें अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिए गए, 16 से संख्या 60 कर दी गई और 9 पदेन सदस्य थे, 69 सदस्य कुल हो गए। अब हम देखते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो केंद्रीय विधान परिषद है के सदस्यों को, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट तथा आम जनहित के मामलों पर वाद विवाद करने तथा नियम कानून नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। परंतु इन पर सचिव की पुष्टि का प्रावधान किया गया तथा सेना विदेश नीति देशी रियासतों को इस परिषद के विषयों से अलग रखा गया, ठीक है। यानी विधान परिषद के सदस्यों को बजट और आम जनहित के मामलों पर वाद विवाद करने, उन पर नियम बनाने का अधिकार दिया, लेकिन इस पर सचिव की पुष्टि का प्रावधान किया गया। और सेना विदेश नीति देशी रियासतों, इन विषयों को विधान परिषद के जो अन्य विषय हैं उनसे अलग रखा गया। विधान परिषद अपने से संबंधित विषयों पर विचार करके नियम बना सकती थी, लेकिन वायसराय के हस्ताक्षर के बाद ही ये नियम लागू हो सकते थे। और वायसराय को विटो प्राप्त थी। यानी ये अपने से संबंधित विषयों पर विचार करके नियम बना सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए नियम, पारित नियम लागू तभी हो सकते हैं जब वायसराय उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और वायसराय को क्या है, विटो, यानी वायसराय हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। यानी हमने देखा विधान परिषद के सदस्यों को बजट आम जनहित के मामलों पर वाद विवाद करने, कानून बनाने का अधिकार मिल गया और ये अपने से संबंधित विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि सेना विदेश नीति और देशी रियासतों, इनको इनके दायरे से अलग रखा गया, लेकिन इनके जो बने हुए नियम है वो लागू तभी होंगे जब वायसराय इन पर हस्ताक्षर करेंगे। और वायसराय को क्या है, विटो है, विटो का अधिकार, विटो की शक्ति है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इस अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषदों को देखें तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों
परिषदों की सदस्य संख्या में भी संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। इनकी सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 30 से 50 के बीच निर्धारित की गई, निर्धारित की गई। यानी प्रांतीय विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या में भी संशोधन किया गया। अब सदस्य संख्या 30 से 50 के बीच निर्धारित की गई, यानी बंगाल, मद्रास तथा बंबई प्रांतों की सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी। यानी बंगाल, मद्रास, बंबई इनकी जो सदस्य संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी। संयुक्त प्रांत असम, पूर्वी बंगाल की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 50 कर दी। पंजाब व बर्मा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 9 से 30 कर दी। यानी संयुक्त प्रांत असम, पूर्वी बंगाल इनकी सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 50 कर दी। पंजाब और बर्मा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 9 से 30 कर दी। यानी इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या में भी संशोधन किया गया और सदस्य संख्या इनकी 30 से 50 के बीच रखी गई, जिनमें बंगाल, मद्रास, बंबई इनकी 20 से बढ़ाकर 50 कर दी। संयुक्त प्रांत असम और पूर्वी बंगाल की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 50 कर दी। पंजाब और बर्मा की 9 से बढ़ाकर 30 कर दी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आगे प्रांतीय विधान परिषदों, परिषदों में भी केंद्रीय विधान परिषद की तरह चार प्रकार के सदस्य थे, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है। एक पदेन सदस्य, दो सरकारी सदस्य, तीन मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और नंबर चार निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। यानी जैसे केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य चार प्रकार के थे, उसी तरह प्रांतीय विधान परिषदों में भी एक प्रकार के पदेन सदस्य, दूसरी प्रकार के सरकारी सदस्य और तीसरे मनोनीत गैर सरकारी और चौथे निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। जो विधान परिषद है वो वाद विवाद कर सकती थी लेकिन उस पर मत नहीं दे सकती थी, और विधान परिषद है उसके द्वारा पारित विधेयकों पर, यानी जो ये प्रांतीय विधान परिषद है उसके द्वारा पारित जो विधेयक है उन पर गवर्नर या जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके हस्ताक्षर या उसकी स्वीकृति आवश्यक थी। यानी कहने का मतलब है प्रांतीय विधान परिषद द्वारा जो बनाए गए नियम है उन पर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक थी, क्योंकि कई प्रांतों में गवर्नर थे, कई में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। यानी सीधी सी बात है, इनके जो नियम है प्रांतीय विधान परिषदों के वो सरकार के लिए एक सुझाव मात्र थे, उन्हें मानना न मानना ये सरकार के ऊपर निर्भर था। यानी सरकार इनके बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। अब देखेंगे हम इसमें आगे 1909 के अधिनियम द्वारा
जनता को मताधिकार का अधिकार दिया गया, लेकिन यह अधिकार सीमित लोगों को ही दिया गया। यानी सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली नहीं रखी गई। हालांकि 1909 के अधिनियम द्वारा जनता को मत का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ये कुछ लोगों को ही दिया गया, यानी सीमित लोगों को ये अधिकार दिया गया, संपूर्ण जनता को नहीं दिया गया। भारत के कुछ क्षेत्र वायसराय के अधीन थे, जिन्हें हम चीफ कमिश्नर प्रांत कहते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत कुर्ग तथा अजमेर मेरवाड़ा, इन क्षेत्रों को केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ना ही इनमें निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया यानी भारत के जो कुछ क्षेत्र थे वो वायसराय के अधीन थे, जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, इनको केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ना ही यहाँ पर कोई निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, अब देखिए हम आगे। इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव वायसराय तथा प्रांतीय गवर्नरों की परिषद के गठन में संशोधन करके भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। भारत सचिव की परिषद में दो भारतीय तथा वायसराय की परिषद में एक भारतीय सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया। यानी इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव, वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों की जो परिषद है उनके गठन में संशोधन किया गया और भारतीयों को उनमें प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। और जो वायसराय की परिषद है उसके अंदर जो पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार आज हमने 1919 के अधिनियम पर चर्चा की। आगे आने वाले पार्ट में हम 1919 और 1935 के अधिनियम पर भी चर्चा करेंगे। जो 1909 का अधिनियम था वह भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया, गांधी जी ने भी इसकी जमकर आलोचना की थी। तो अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।